नमस्कार, स्वागत है आपका केबी न्यूज इंडिया में। मैं हूं अजहर बेग और आप देख रहे हैं इस समय की खास खबर। जनपद हमीरपुर के राठ में शांति के साथ पढ़ी गई ईद उल अजहा की नमाज। हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने ईदगाह में पहुंचकर नमाज अदा की और देश में अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। आज पूरी दुनिया में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह पर्व मुस्लिमों के लिए बहुत खास है क्योंकि इस त्यौहार में अल्लाह के पैगंबर ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में दी थी। अल्लाह को यह कुर्बानी बहुत पसंद आई और पैगंबर के बेटे की जगह उन्होंने एक भेड़ की कुर्बानी स्वीकार की थी और पैगंबर का बेटा फिर जिंदा हो गया था, जिसको आज भी हजारों सालों से मुस्लिम कुर्बानी व बकरा ईद के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा ईदगाह में पर्याप्त इंतजाम किए गए, जिसमें मेडिकल सुविधा, पानी, फायर ब्रिगेड व भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं ईदगाह में ईद की नमाज अदा होने के बाद राठ चेयरमैन श्रीनिवास बरौलिया, उप जिला अधिकारी सुरेश कुमार, क्षेत्र अधिकारी शुभ सूचित, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला और नगरपाल का के अधिकारियों ने ईदगाह में वृक्षारोपण भी किया और मुस्लिमों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दी। देखिए एक रिपोर्ट। यह त्यौहार है, बड़ी शांति से यहाँ संपन्न हुआ है। प्रशासन का काफ़ी इसमें सहयोग रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे दुनिया और देश के लिए? मैं सभी पहले तो ईओ साहब को और पुलिस सीओ साहब को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, शांतिपूर्वक पूरा संपन्न हुआ नमाज हमारी। और मैं सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इस त्यौहार को बढ़िया हर्षोल्लास से शांतिपूर्वक। साहब, आप नगर के प्रथम व्यक्ति हैं और देखा जहाँ तक देखा जाता है नगर पालिका से किसी का भी त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो या हिंदू भाइयों का, पूरा सहयोग मिलता है। इस संबंध में आप नगर पालिका की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले मैं अपने नगर पालिका के सभी कारीगण, कर्मचारीगण, सभी सभासद भाइयों की तरफ से नगर और क्षेत्र के सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ इसी तरह देश में अमन और चैन कायम रहे। हम सब आज बकरीद का जो त्यौहार है, इसमें क्या मानते हैं, इसकी ओर में कुर्बानी दी जाती है, क्या कारण है इसका? ईद उल अजहा यानी बकरीद हमारे यहाँ और पूरे देश में और तमाम आलम इस्लाम में मनाई जा रही है। आज का ख़ास दिन जो है वो कुर्बानी का है, जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, अल्लाह की राह में पेश करके जो मिसाल पेश की है, और वही कुर्बानी जो है अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उस कुर्बानी को ज़िंदा और उसको हमेशा हमेशा कायम रखने के लिए हज़रत इब्राहिम को सुन्नत अदा करने के लिए हर साल साहिब निसाब जो होता है वो अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करता है। और ये कुर्बानी वो अजीम कुर्बानी है जिसको जो है अल्लाह ताला तौफीक देता है, ये वही करता है। और इसके हर हर खून के कतरे के बदले में, जानवर के हर हर बाल के एवज में अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। और हर साहिब निसाब को कुर्बानी करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुर्बानी हम सभी लोगों को बड़े एहतियात से बंद जगहों पर करना चाहिए, खुली जगहों पर, रास्तों में कुर्बानी न करना चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। खून में, नालियों में खून न बहना चाहिए, जानवर का कोई भी हिस्सा बर्बाद ना हो, इधर उधर बेहरमती नहीं होना चाहिए, तो और ना ही फोटो जो है कुर्बानियों का मीडिया में पेश करें या मोबाइलों में डाल करके इसको इशू करें। कतई इससे एहतियात करें और कुर्बानी करने में बहुत एहतियात करें, बंद जगहों पर करें और खून जो है नालियों में न बहाया जाए। इमाम साहब, आप देश और दुनिया के मुसलमानों को आज के ईद उल अजहा के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज के मौके पर ये अपने देश और तमाम वतनवासियों को ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज की ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक होकर के रहें और हम जो त्यौहार मनाएं अपने सब एक दूसरे से मिल करके मनाएं, किसी को किसी के त्यौहार से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और हम सबको भी ये एहतियात करना चाहिए कि जो जिसके त्यौहार हों वो शांतिपूर्वक मनाना चाहिए, खामोशी के साथ मनाना चाहिए। और जैसा हमारे कस्बे में एक अखलाक, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा है, ऐसे हम चाहते हैं पूरे हमारे देश में कायम और कायम रहे। आप ईदगाह कमेटी के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और ईदगाह माशाल्लाह यहाँ की ईदगाह बुंदेलखंड में भी अपना नाम कर रही है, तो इसमें
क्या आपको राठ की जनता से सहयोग मिलता है और क्या कहना चाहेंगे आप इस सहयोग के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा की सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ईदगाह कस्बे के सभी भाइयों के तावुन से यहाँ का काम होता रहा है, आज भी हो रहा है। अभी सभी लोगों के तावुन से यहाँ पे ये पत्थर भी बिछाया गया है। यहाँ पर सभी के तावुन से ईदगाह की तामीर होती रहती है। सभी लोग यहाँ पर अपना तावुन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सहयोग के लिए, आप कितना धन्यवाद देना चाहेंगे आप पब्लिक को? सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और ये चूंकि अल्लाह के घर का काम है, इसमें जो लोग जितना भी मदद करेंगे उसका सवाब जारिया है। और ख़ास चीज़ ये है कि ये कौम की एक बहुत बड़ी जायदाद है, ये कौम की एक बहुत बड़ी इमारत है, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की बनती है। मैं तो एक छोटा सा खादिम हूँ इस ईदगाह का, बाकी सभी लोग इसकी जिम्मेदारी उठाएं से काम को लगते हैं, ताबून करते हैं।